वेलकम बैक टू अवर चैनल निहारित का ब्लॉग्स एंड आई एम रितिका। तो गाइज, आज मेरा स्कूल का फर्स्ट डे है, वो भी एज ए 11th ग्रेडर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं स्कूल का भी ब्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी देखो, अभी बज रहे हैं 5:10, मेरा अलार्म जैसा कि बजा था और मैं अभी जस्ट अभी उठ के आ रही हूँ और अभी बाहर पूरा अंधेरा टाइप है, वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइज, अभी पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप सा ही है, अभी पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ है। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने एंड मुझे वर्कआउट भी करना है, बहुत कुछ काम है। तो चलो आप सबके साथ भी मैं तो शेयर करूँगी क्योंकि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। गाइज, मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने, क्योंकि वो मेरी डेली का रहता है कि मैं स्कूल जाऊँ चाहे ना जाऊँ, डेली एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। तो अभी मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ और दिन आफ्टर मैं शावर लेने जाऊँगी, फिर अपना ड्रेसअप होंगी। वर्कआउट भी कर लिया है एंड अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए एंड फिर मैं ड्रेसअप होके सीधा आऊँगी। A few moments later. तो गाइज देखो, मैं अभी सूट वगैरह पहन के आ गई हूँ अपना स्कूल ड्रेस, और मेरा स्कूल ड्रेस चेंज नहीं हुआ है। जो मेरा क्लास 10th में था वही क्लास 11th में भी रहेगा। कितने स्कूलों में होता है ना कि स्कूल ड्रेस चेंज हो जाते हैं, तो नहीं, मेरे में स्कूल ड्रेस चेंज नहीं हुआ है, जो भी स्कूल ड्रेस था वही है। और अभी मैं स्कूल ड्रेस पहन के आ चुकी हूँ। और यार गाइज, अभी न्यू सेशन है तो आइडेंटिटी कार्ड तो मिलेगा नहीं, तो मैं बिना आइडेंटिटी कार्ड के जाऊँगी। और यहाँ मैंने अपना सब कुछ पहन लिया है, अभी शूज़ पहनना बचा है एंड मैं मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट करना है, अपना हेयर स्टाइल बनाना है। अरे बाप रे, बहुत से काम है तो मैं लेट किस बात की कर रही हूँ। मैं अभी शूज़ पहन लेती हूँ। तो गाइज, अभी मैं शूज़ वगैरह पहनने जा रही हूँ और अभी मुझे अपना हेयर स्टाइल बनाना है। भाई लेट ना हो जाए, मुझे बस इसी बात का डर है क्योंकि हमेशा मुझे लेट ही होता रहता है। और ये देखो, आप सभी देखो कि ये जो दो बुक्स थी मेरी क्लास 10th की, ये भी फटी चितरी हो चुकी है, मैंने इतना ज़्यादा इसे पढ़ लिया कि ये भी फट गई है। तो गाइज ये देखो, जो दोनों क्लास 10th की मेरी बुक्स थी वो मैं अपने से जूनियर को देने वाली हूँ, जिससे कि ऐसे बुक भी यूज़ हो जाती है ना। तो आज मैं इंग्लिश की बुक उसे देने वाली हूँ, बाकी उसे कोई भी नहीं चाहिए थी, तो बाकी सारी मेरे पास पड़ी है। और अभी तो मुझे क्लास 10th के रिज़ल्ट का भी बहुत ही ज़्यादा वेट है, क्योंकि अभी तक तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो अभी आज मेरा फर्स्ट डे है, देखते हैं फर्स्ट डे कैसा होता है। डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, हद से ज़्यादा लग रहा है। स्कूल तो अपना ही है बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि अरे यार क्या होगा। मेरी क्लास 10th ज़्यादा अच्छी थी, अब तो सारे स्ट्रीम्स एकदम डिवाइड हो जाएंगे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेरे शूज़ पहन ली है और अभी मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही होगी, मुझे अपना हेयर स्टाइल बनाना है। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ और उसके बाद फिर मम्मी मेरी गूथे की चोटी पीछे से ऐसे से कैसे बनाऊँ पलट के, दिस इज़ परफेक्ट। नहीं, मोबाइल रख के तब दिखाती हूँ जब मेरा बन जाएगा हेयर स्टाइल, तब मैं आप सबको। ये देखो गाइस, मम्मी ने यहाँ पे प्लेट्स बना दी हैं और मम्मी यहाँ पे भी बना रही है। मम्मी आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाई हो? पूड़ी भुजिया। वाह, तो गाइज मम्मी पूरी भुजिया बनाई है ब्रेकफास्ट में, आज मुझे टिफिन में वही लेके जाना है। मैंने मम्मी से बोला था कुछ अच्छा बनाना, बट लेकिन मम्मी ने सोचा कि कुछ हेल्दी देते हैं, वो भी लेकिन हेल्दी कहाँ है, वो भी पूरी ऑयली है, लेकिन बट फिर भी तो गाइज मैंने देखो अपने हेयर कट करवा लिए थे, कितने छोटे छोटे हो गए। सो
गाइस ये देखो मम्मी यहाँ पे मेरे प्लेट्स बना दी है, मतलब मेरी चोटी बन गई है और अभी मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। और ये भी मैं फेस वॉश करके आई हूँ, वो क्या है ना नहाने के बाद भी मैं फेस वॉश करती हूँ, ये आदत मेरी कहीं ही जाती है। मैं नहाते समय भी फेस वॉश करती हूँ और दोबारा से भी फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि तो मेरा मन ही नहीं भरता यार कि गाइस मैं स्कूल जाने वाली हूँ तो एक बार फिर से फेस वॉश कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, उसके बाद फिर अभी जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। और अभी क्या काम था मेरे पास, कोई काम तो नहीं था, मतलब यार बहुत डर लग रहा है, आज फर्स्ट डे है मेरे स्कूल का एंड मुझे डर लग रहा है कि कैसा होगा फर्स्ट डे, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, न्यू टीचर्स होंगे, न्यू स्ट्रीम रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। तो ये देखो गाइस मम्मी यहाँ पे किचन में पूड़ियाँ छान रही है, मम्मी इसमें सब्जी बन रही है, फटाओ ना, ओ तो मेरी फेवरेट भुजिया बन रही है। तो ये देखो गाइस मम्मी यहाँ पे भुजिया बना रही है और मम्मी यहाँ पे पूड़ी बना रही है। तो अभी मुझे अपना वाटर बॉटल फिल करना है, तो ये देखो गाइस मम्मी यहाँ पे वाटर बॉटल फिल कर रही हूँ अपना। एंड अभी भी मेरी बच्चों वाली हरकत है, मैं प्लास्टिक के बॉटल में लेके जाती हूँ। तो गाइस मुझे मेरा ब्रेकफास्ट मिल गया और मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और शायद अब मुझे लेट भी हो रहा है, 6:10 पे मेरी वैन आ जाती है, तो अब 6 बज रहे गाइस, मुझे लेट हो रहा है। एंड गाइस मेरा कोई भी ज़्यादा मेकअप नहीं होता है और मैं यहाँ पे अपना निविया क्रीम लगा रही हूँ, बस सिंपल सा मॉइस्चराइज़र, ज़्यादा स्कूल मेकअप करके नहीं जाना चाहिए, सिंपल सा निविया मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। गाइस मुझे लेट हो रहा है थोड़ा सा। सो गाइस मैं एकदम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ अपने स्कूल के फर्स्ट डे के लिए। तो गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरा फर्स्ट डे स्कूल का कैसा होने वाला है। तो अभी तो रेडी हो ही चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ, एंड आपसे तब मिलूंगी जब मैं स्कूल से आ जाऊँगी एंड मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मेरे स्कूल का फर्स्ट डे कैसा आने वाला है। सो गाइज मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ स्कूल, एंड आपसे मैं मिलूंगी जब मैं स्कूल से आ जाऊँगी। मेनी आवर्स लेटर। सो गाइज अभी जैसा कि मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और आज मेरा 11th का फर्स्ट डे एवरेज गया, मतलब अच्छा भी था नहीं भी अच्छा था। बात क्या है कि अगर स्ट्रीम से एक बार मर्ज हो जाती है ना तो सारी फ्रेंड्स भी बहुत अलग हो जाते हैं और फिर अलग अलग सा लगने लगता है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड बाय बाय बाय।